फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग, उम्मीद करते हो बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को धनतेरस, रूप चतुर्दशी और दिवाली की बहुत 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 शुभकामनाएं। तो जैसा कि आपने टाइटल देखा होगा, आप लोग समझ गए होंगे, काफ़ी दिनों से मैं आप लोगों को बोल रही थी कि मेरी बेटी ने मुझे बोला था कि एक कॉर्नर डेकोरेट करना, तो उसकी काफ़ी इच्छा थी, तो आज मुझे करना था। मैंने कहा चलो नवरात्रि पे तो नहीं, क्या दिवाली पे करते हैं। तो जिस तरीके से मैंने कॉर्नर को, एक रूम के कॉर्नर को डेकोरेट किया है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से इसकी एक अलग वीडियो शेयर करती हूँ। और जो पूरा रूम मैंने थोड़ा बहुत डेकोरेट कर दिया है आज, उसकी अलग डेकोरेशन आप लोगों को दिखा दूंगी। उसका व्लॉग अलग आएगा, और एक और व्लॉग मेरे पास रखा है लेकिन वो मैं बाद में डालूंगी। उसमें मिठाइयाँ मैंने बना रखी है, लेकिन यहाँ पे एक कॉर्नर डेकोरेट हो चुका था थोड़ा बहुत मुझसे जैसा हुआ, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, कुछ आइडियाज़ आप लोगों को भी मिल जाएंगे, क्योंकि मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि दिवाली डेकोरेशन के आइडियाज़ बता दीजिए। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं विद प्राइस बता देती हूँ। ये देखिए, इस कॉर्नर पे मैंने एक गद्दा लगा दिया, ये आपको 250 या 300 में मिल जाता है। उसके बाद मैं इस पर एक बेडशीट लगा रही हूँ। अब क्या क्या किस प्राइस की थी वो भी बता देती हूँ। ये बेडशीट मुझे मिल गई थी, प्योर कॉटन है, और ये 200 की मुझे पड़ी थी। सिंगल बेडशीट जो है वो मैं इसमें बिछा रही हूँ। तो एक गद्दा मैंने लगा दिया है, और उस पर मैंने क्या किया है कि बेडशीट जो है ना वो लगा दी है। तो काफ़ी दिनों से, क्योंकि मैं सोच रही थी, और ये चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखाई भी थी कि मैं ये काफ़ी टाइम पहले लेके आई थी, 1-1.5 महीने पहले, है ना। तो सीकर हाउस से मैं ये बेडशीट लेके आई थी, तो एक ही सिंगल पीस बचा था, इसलिए 200 में ही मुझे मिल गई थी। ये मैं लेके आई थी, 250 के थे कुशन कवर, तो कुशन मैंने इसमें डाल दी है। मैं बस चेक ही कर रही थी कि दो अच्छे लगेंगे कि तीन, तो फिर मैंने सोचा चलो दो ही अच्छे लगेंगे, तो मैंने दो ही इसमें लगा दिए हैं। तो फिर मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, ये देखिए वॉल पे, ये मैंने मंगवाए थे 149 के थे, फ्लिपकार्ट से मंगवाए थे, और ये तीन हैं, इस तरीके के तीन हैं वॉल पे लगाने के लिए। इसमें डबल साइडेड टेप लगी हुई है, 149 के मुझे पड़े थे, और इसमें कई तरीके की डिज़ाइंस हैं, आप चाहें तो मंगवा सकते हैं। अभी ना सही दिवाली पे, आपको दिवाली के बाद भी तो डेकोरेट करते ही रहते हैं हम। तो ये देखिए डबल साइडेड टेप है, इसको निकाल के इस तरीके से लगा रहे हो आप, अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, लाइन से लगा सकते हैं, किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। तो ये मैंने वॉल पे लगा दिए हैं। तो यहाँ पे बारी आती है अब इन हुक्स की। ये हुक मैंने मंगवाए थे 215, ये वॉल हुक है, इनको पीछे से निकाल के और ये दीवार पे ना चिपक जाते हैं। और ये माला जो है आर्टिफिशियल, मैं लेके आई थी 30 रुपये की जोड़ी, तो 30-30 रुपये की जोड़ी थी। तो क्योंकि बेडशीट जो है ना वो है पिंक कलर का, तो येलो एंड पिंक मैंने लगा दी। पहले मैंने एक उस साइड लगाई थी, फिर बाद में मैंने क्या किया, दूसरे तरीके से कर दिया था। ये देखिए इस तरीके से मैंने लगा दिए। तो ये एक मेरे पास रखा था, तो इस पर मैं ये फ्लावर्स लाई थी, 100 रुपीज़ के थे शायद ये दो जोड़ी। तो ये रेड वाला यहाँ पे लगा देते हैं, और कुछ जो घर में चीज़ें थी ना उसी से कॉर्नर को डेकोरेट कर देते हैं। ये जो वाइट वाला स्टैंड है फ्लावर वाला, वो 200 का मैं लेके आई थी। और ये जो आपको आर्टिफिशियल लीव्स दिख रही हैं, ये हैं 30 रुपये की, 3 मीटर आती है ये। अगर ऑनलाइन लोगे तो मुझे नहीं पता है सस्ती मिलेगी महंगी मिलेगी, लेकिन ऑफलाइन भी ये मिलती होती हैं, और 30 रुपये की 3 मीटर मैंने ली थी। ये देखिए, फिर मैंने बीच में ये वाली लगा दी थी येलो एंड ऑरेंज, और फिर इस साइड एक और हुक लगा के ये लगा दी थी। यहाँ पे मेरे पास कुछ रखे थे, हर साल में नवरात्रि पे, करवा चौथ पे जो करवे और ये जो कलश है ना, वो कलर करके हम लोग डेकोरेट करते हैं, तो कई तरीके के मेरे पास इकट्ठे थे। तो ये सारा मैंने एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रख दिया है। अब क्या करूँगी, लास्ट वाला जो होगा ना, उसमें ये जो लीव्स आर्टिफिशियल मैंने लगाई हैं वो डाल दूँगी, तो यानी कि यहाँ से निकलती हुई वो इस तरफ जा रही है। फिर ये मैं अभी लाई थी, फुटमैट लाई थी, तो मैंने कहा चलो यहाँ पे इसको यूज़ ले लेते हैं। तो ये 39-39 के थे, विशाल मेगा मार्ट से मैं लेके आई थी, तो ये भी मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं छोटे छोटे।
ये आपको पता ही है, इलू की स्टडी टेबल थी जिस पर मैंने वॉलपेपर लगाकर इसको नया कर दिया था। तो मैं मेरे पास एक ये ग्लास का ये बाउल रखा था जिसपे फिश करते हैं ना, वो मैं ऐसे ही ले आई थी कि बहुत साल पहले। फिर ये आर्टिफिशियल जो माला है वो मैंने इस पर लगा दी है, और अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी स्ट्रिंग लाइट जो कि 32 रुपये या 30 रुपये की पड़ती है। ये देखिए, ये वाली मैं लेके आई थी बॉटल के लिए, लेकिन मैंने इसमें डाल दी है। फिर इसको जब भी हमें रात के टाइम पर जलाना हो तो हम जला सकते हैं। सेल होता है इसमें, ये 32 रुपीज़ की थी। किसी भी इलेक्ट्रिशियन की जो दुकान होती है ऐसे आइटम्स की, उसमें आपको मिल जाएगी। तो अब तक मैं कुछ ऐसा इस तरीके से डेकोरेट हो चुका है, ये करीब से मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। और फिर हम लोग मार्केट से लेके आए थे फोटो जिस पे लगाते हैं ना लाइट पे, ये थोड़ा सा लाइटिंग भी ना अधूरा लग रहा था, तो मैंने कहा एक बार ये वाली लगा लेते हैं और फिर ले आएंगे बेडरूम के लिए। इसमें आप फोटोज़ भी लगा सकते हो, 350 की ये पड़ी थी। इसमें क्लिप्स होते हैं, ये ऐसे करके पूरी लग जाती है, और इसमें फ़ोटोज़ भी आप अटका सकते हो। ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसको लगा दी है टेप से और इन हुक से, ये सब कुछ मैंने कर दिया है हैंग। तो चलिए फाइनल लुक देखिए, और कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो जो भी घर पे था, जैसा भी मुझसे हो पाया, जितना भी मेरे दिमाग में आया, तो मैंने कर दिया इस कॉर्नर को डेकोरेट।